हेलो दोस्तों फाइनली अपकमिंग महिंद्रा थार फाइव डोर रेसिपी को एक बार फिर से स्पॉट किया गया है इंडियन रोड्स पर और इससे पहले भी इस अपकमिंग एसिपी को काफी बार स्पॉट किया गया है टेस्टिंग के दौरान इंडियन मार्केट में और अभी भी यह अपकमिंग एसिपी हमें फुल्ली फुलफ्लैज में ही देखने को मिलने वाली है आ, पर डेफिनेटली इसके फीचर स्पेसिफिकेशन और सभी डिटेल्स रिवील हो चुकी है और उसके साथ ही इस अपकमिंग महिंद्रा थार फाइव डोर रेसिपी की फोटोज और वीडियोज भी सोशल मीडिया में काफी वायरल हो रही है इसी वजह से अपकमिंग महिंद्रा थार फाइव टू रेसीवी का इंडियन मार्केट में हमें फिलहाल तो अच्छा खासा डिमांड भी देखने को मिल रहा है तो इस अपकमिंग रेसिपी की लॉन्चिंग डेट की बात करें तो डेफिनेटली महिंद्रा कंपनी थार फाइव टू को 2023 में ही लॉन्च करने वाली है इंडियन फोर व्हीलर मार्केट में पर अभी तक इसकी ऑफिशियली लॉन्चिंग डेट कंफर्म नहीं हुई है और इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं इसकी लुकिंग और डिजाइन की तो डेफिनेटली अपकमिंग थार फाइव डोर एस हमें बॉक्सी लुक एंड मस्कुलर प्रोफाइल में ही देखने को मिलने वाली है और इस अपकमिंग एससीवी की जो लुकिंग और डिजाइन है वो हमें काफी हद तक सेम ही देखने को मिलने वाली है थार के थ्री डोर मॉडल के जैसे और इस एस के फ्रंट सेक्शन में हमें राउंड सेप में हेडल्प और एलईडी डी ऑफर किया गया है और साथ ही न्यू डिजाइन में बम्पर भी देखने को मिल जाएगा और इसके साइड सेक्शन में हमें आउटर रियर व्यू मिरर्स ऑफर किया जाएगा जो कि डेफिनेटली हमें बॉडी कलर्स में ही देखने को मिलने वाले हैं और 18 इंच के न्यू डिजाइन एलॉय व्हील्स भी देखने को मिलेगा और इसके रियर सेक्शन में हमें रियर डोर टेल लाइट और स्पेयर व्यूज ऑफर किया जाएगा तो ये सभी बेसिक फीचर्स हो गए और इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं इस अपकमिंग एस के इंटीरियर और फीचर्स की तो डेफिनेटली महिंद्रा कंपनी इस अपकमिंग एस में हमें प्रीमियम एंड लग्जरियस इंटीरियर ऑफर करेगी पर इस अपकमिंग थार फाइव डोर एस का इंटीरियर और फीचर्स भी हमें काफी सेम ही देखने को मिलने वाले हैं थार के थ्री डोर मॉडल के जैसे क्योंकि इस एस के प्रीवियस स्पाइस में इसका इंटीरियर फुली रिवील हो चुका है तो स्पाइसॉर्ट्स में हमें डैशबोर्ड और सेंटर कंसोल सेम ही ऑफर किया जाएगा थार के थ्री डोर मॉडल के जैसे और इस अपकमिंग एस के जो फीचर्स हैं वो भी हमें सेम ही देखने को मिलने वाले हैं जैसे कि टच स्क्रीन इन्फोटमेट सिस्टम स्टेरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स रियर एसी वेंट्स और रूफ माउंटेड स्पीकर जैसे काफी सारे फीचर्स ऑफर किया जाएगा और उसके साथ ही इसमें हमें सभी सेफ्टी फीचर्स भी ऑफर करेगी महिंद्रा कंपनी तो दोस्तों इसके बाद फाइनली बात करते हैं महिंद्रा थार फाइव टोर एससीवी के इंजन स्पेसिफिकेशंस की तो डेफिनेटली महिंद्रा कंपनी इस अपकमिंग एससीवी में हमें दो इंजन स्पेसिफिकेशंस ऑफर करने वाली है जिसमें से इसका जो पहला इंजन स्पेसिफिकेशंस है वो है 2.2 लीटर डीजल इंजन यूनिट और यह यूनिट जनरेट करता है एक सौ का पावर और उसके साथ ही तीन न्यूटन मीटर का पीक आउटपुट टॉर्क भी प्रोड्यूस करता है और इसके बाद इसका दूसरा इंजन स्पेसिफिकेशन है 2.0 लीटर पेट्रोल इंजन यूनिट और यह इंजन यूनिट जनरेट करता है 150 bhp का पावर और 300 न्यूटन मीटर का पीक आउटपुट टॉर्क तो डेफिनेटली इन दोनों ही इंजन स्पेसिफिकेशन में हमें बेस्ट पावर एंड परफॉर्मेंस मिलने वाली है और महिंद्रा कंपनी इन इंजन यूनिट्स को ऑफर करने वाली है सिक्स स्पीड मैनुअल और सिक्स स्पीड ऑटोमेटिक गेयर बॉक्स के साथ में तो पावर और परफॉर्मेंस अच्छी ही मिलेगी और इस अपकमिंग थार फाइव डोर रेसिपी की बाकी सारी चीजें तो हमें सेम ही देखने को मिलने वाली है थार के थ्री डोर मॉडल के जैसे चेंजेस के रूप में इसमें फाइव डोर्स ऑफर किया गया है और लार्ज साइज में बूट स्पेस ऑफर किया जाएगा और उसके साथ ही इसमें हमें डिफरेंट सिटिंग कॉन्फिगेशन भी देखने को मिल जाएंगे तो दोस्तों इन सभी फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस के साथ महिंद्रा कंपनी की अपकमिंग थार फाइव डोर रेसिपी जल्दी ही लॉन्च होने वाली है इंडियन फोर व्हीलर मार्केट में तो उम्मीद है कि आपको जब वीडियो और या इनॉर्मेशन पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको ऐसी ही अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन मिलती रहे सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग